Hey, what is up, guys? दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलोन मस्क अपने अतरंगी आइडियाज की वजह से हमेशा लोगों का अट्रैक्शन बने रहता है, कभी अपनी ट्विटर डील से तो कभी अपने स्पेस एक्स के रॉकेटों से। लेकिन अभी इलोन ने कुछ नया अनाउंसमेंट कर दिया है जिसके बारे में उन्होंने 2016 में बात की थी, लेकिन अब वो बन के तैयार हो चुका है। दरअसल इलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक न्यूरल इंटरफेस टेक्नोलॉजी पर काम करती है। आसान भाषा में कहे तो दिमाग से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी पर काम करती है, और इन्होंने हाल ही में एक कमाल का चिप बनाया है, और इस चिप को न्यूरालिंक बहुत जल्दी किसी इंसान के दिमाग में फिट करने वाली है। इस चिप का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये चिप इंसानों की डिसेबिलिटी यानी कि स्ट्रेस, टेंशन, थकान, ये सारी चीजों को दूर करेगी, और खास करके पैरालाइज लोग, नेत्रहीन लोग, बिना हाथ वाले लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक फोन को भी हाथों से ज्यादा तेज चला पाएंगे। और न्यूरालिंक ने इस चिप को एक बंदर के दिमाग में फिट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसा यह बंदर अपने हाथों का इस्तेमाल किए बिना अपने दिमाग की मदद से पिंग पोंग नाम की गेम को खेल रहा है। तो ये पावर है इस चिप का, और कंपनी की माने तो आने वाले टाइम में इस चिप की मदद से इंसान अपने माइंड के विचारों को पढ़ सकता है और सही फैसला ले सकता है। लेकिन इन सब में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलोन मस्क भी इस चिप को अपने दिमाग में लगाना चाहते हैं, और इस बात की पुष्टि उन्होंने ट्विटर पे की है। तो देखते हैं आगे इस चिप को लगाने के बाद इलोन क्या कहते हैं, उनका ओपिनियन क्या आता है। एनीवेज, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको मेरे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। साइनिंग ऑफ TH, गुड बाय।